गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट? होप स्टूडेंट्स, आपने सभी ने इससे रिलेटेड सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसको देख लीजिएगा, फिर आज का वीडियो आप देखना शुरू कीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास एंड ग्राम मॉलिकुलर मास। क्लियर? तो आइए उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर? राइट स्टूडेंट्स, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि एटॉमिक मास ज़्यादातर फ्रैक्शन में होता है, जैसे कार्बन का 12.011, बोरॉन का 10.8, क्लोरीन का 35.5। ऐसा इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं, जिसको आप आइसोटोप्स कहते हैं। क्लियर? जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, राइट? कौन कौन से स्टूडेंट? C12, C13 और C14। क्लियर? C12 में 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। C13 में 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 7 न्यूट्रॉन्स, और C14 में 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। करेक्ट? राइट? सो देर इज़ अ डिफरेंस इन एटॉमिक मास ओनली ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे एटॉमिक मास में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सभी में क्या है स्टूडेंट्स? अलग अलग है। करेक्ट? तो अगर हमें कार्बन का एटॉमिक मास निकालना है तो हमें इन तीनों आइसोटोप्स की एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। करेक्ट? और स्टूडेंट, हर आइसोटोप्स का नेचर में जो अबेंडेंस है वो अलग अलग होता है, या प्रेजेंस क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अगर हमें एटॉमिक मास निकालना है कार्बन का, तो हमें हर एक का एटॉमिक मास और उसके साथ में उसका परसेंटेज अबेंडेंस भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर? तो जो इसके बाद एटॉमिक मास निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? एवरेज एटॉमिक मास। करेक्ट? तो मैं स्टूडेंट्स, मैंने यहीं पे ये चीज़ मेंशन किया हुआ है, राइट? तो आइए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एज वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज नॉट एग्जैक्टली 12 AMU, बट इट इज एक्चुअली 12.011 AMU. This is because carbon has two more isotopes, that is C13 and C14. So the difference in atomic mass is due to difference in number of neutrons. Correct? The element which are found to exist in number of isotopes in such cases, average value is taken. करेक्ट? तो स्टूडेंट, जो मैंने बोला था वो यहीं पे वही मेंशन किया हुआ है। करेक्ट? आइए आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो इन द नेचर ऑल द आइसोटोप्स डोंट हैव इक्वल अबेंडेंस। करेक्ट? दस इफ वी वांट टू कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, देन वी हैव टू टेक द इंडिविजुअल एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन गिवन एलिमेंट along with their abundance in nature individually. Correct? तो students, अगर हमारे पास कोई element है उसके दो isotope exist करते हैं तो कैसे average atomic mass निकालेंगे? तो average atomic mass is equal to atomic mass student पहले isotope का into its percentage abundance plus atomic mass second isotopes का into उसकी percentage abundance डिवाइडेड बाय स्टूडेंट क्या करेंगे? 100 करेंगे। क्लियर? तो इसके बाद जो एटॉमिक मास निकल के आएगा उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। अगर थ्री आइसोटोप्स हैं तो तीसरा भी हम ऐड कर देंगे। करेक्ट है? फोर्थ भी ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन। क्लियर? तो फॉर्मूला भी यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप वन इंटू इट्स परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप वन प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप टू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप टू एंड होल डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर गिवन C12, C13 एंड C14. अबेंडेंस इज, इट इज़ इन परसेंटेज स्टूडेंट, 98.89%. सेकेंड C13 इज 1.11% एंड थर्ड इज 0.01%. क्लियर? सो एवरेज एटॉमिक मास विल बी स्टूडेंट 12 × 98.89 प्लस 13 × 1.11 प्लस 14 × 0.01 एंड होल डिवाइड बाय स्टूडेंट व्हाट, 100. करेक्ट? सो द एटॉम बाय कैलकुलेटिंग विल गेट एटॉमिक मास 12.01. करेक्ट? दैट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. और यही जो एटॉमिक मास है वो यूजली गिवन होता है पीरियोडिक टेबल में. करेक्ट? तो इन पीरियोडिक टेबल जनरली क्या गिवन होता है या गिवन क्या होता है स्टूडेंट्स, एवरेज एटॉमिक मास, ना कि एक किसी एक आइसोटोप का एटॉमिक मास. करेक्ट? सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछा हुआ है. इस बार क्या है, आपको क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है और उसके एक आइसोटोप का परसेंटेज अबेंडेंस पूछा हुआ है. तो आइए क्वेश्चन देखते हैं. कैलकुलेट परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ C37 इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 AMU हैविंग टू आइसोटोप्स C37 एंड C35. करेक्ट? तो मुझे पता है आप ये सब बहुत आसानी से कर लेंगे. कैसे करेंगे स्टूडेंट? सपोज परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ C37 कितना, क्या मान लें हम x, तो परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ C35 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 100 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों दो ही आइसोटोप हैं तो दोनों का सम कितना होगा, 100. तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, का फॉर्मूला लगाएंगे हम, x परसेंटेज अबेंडेंस इनटू इट्स एटॉमिक मास प्लस सेकेंड का परसेंटेज अबेंडेंस 100 माइनस एक्स इनटू इट्स एटॉमिक मास, दैट इज 35 डिवाइड बाय क्या स्टूडेंट, 100. और एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 35.5. क्लियर? तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो x मिलेगा वो कितना मिलेगा, 25%. तो कहने का ये मतलब है जो C37 है राइट, वो कितना है, 25%, और जो C35 है वो कितना है, 75%. करेक्ट? याद रखेंगे स्टूडेंट, जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो हमेशा जो सबसे जिस जो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है उससे बड़ा होगा, और जो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है उससे कम होगा. करेक्ट? तो हमेशा जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो इन बिटवीन आएगा आइसोटोप्स का, किसके, जिसका सबसे कम है उससे ज़्यादा और जिसका मास सबसे ज़्यादा है उससे कम. जैसे आप देख सकते हैं जो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास आया, एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 35.5, और वो किसके बिटवीन है, 35 और 37 के बीच में. तो जो कम वाला है 35 उससे तो ज़्यादा है, और जो ज़्यादा है उससे क्या है, कम है वैल्यू. करेक्ट स्टूडेंट? तो हमेशा ये इन बिटवीन आएगा तो आप आंसर भी गैस कर सकते हैं. क्लियर? राइट, एक और एग्जांपल से देखते हैं स्टूडेंट. बोरॉन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोप्स विथ मास नंबर 11 and 10 इन अ रेशियो ऑफ 4:1. कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास. क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, आपको परसेंटेज अबेंडेंस ना देके रेशो दिया हुआ है. करेक्ट? तो जब रेशो गिवन होगा तो स्टूडेंट क्या करना है आपको, फॉर्मूले में एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास फर्स्ट आइसोटोप का इनटू इट्स रेशो, दैट इज 4, प्लस सेकेंड आइसोटोप का मास इनटू इट्स रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशो, दैट इज 4+1. क्लियर? राइट, यहाँ तो नीचे क्या आएगा स्टूडेंट, सम ऑफ रेशो आएगा, ना कि वहाँ पे क्या आएगा, 100 आएगा. क्लियर? तो कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, 11 इंटू रेशो कितना है 11 का, 4, प्लस 10 इंटू रेशो कितना है, 1, 10 का डिवाइडेड बाय कितना, 4+1. तो यहाँ से जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो कितना आएगा, बोरॉन का 10.8. करेक्ट? तो आप कभी भी घबराइएगा नहीं कि अगर रेशो में गिवन है तो हम इजीली कर लेंगे, अगर परसेंटेज अमेंडनेस में गिवन है तो भी हम इजीली कर लेंगे. करेक्ट स्टूडेंट? राइट, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिकुलर मास. क्लियर स्टूडेंट? सो मॉलिकुलर मास क्या होता है स्टूडेंट, जैसे एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन किया था ना, इट इज मास ऑफ वन एटम,
सिमिलरली एटॉम मॉलिकुलर मास क्या होगा, वो मास ऑफ क्या होगा, वन मॉलिक्यूल होगा, करेक्ट। तो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज नोन एज मॉलिकुलर मास। तो किसी एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या कहेंगे, मॉलिकुलर मास कहेंगे। और मॉलिकुलर मास की जो यूनिट होगी स्टूडेंट वो होगी MU, या उसको क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, U, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है एटॉमिक मास ऑफ C12H22O11, दैट इज सुक्रोज का एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे हम एटॉमिक मास कैलकुलेट, सॉरी मॉलिकुलर मास कैसे करेंगे कैलकुलेट, कार्बन के एटम कितने हैं 12, तो 12 इंटू कार्बन के एटॉमिक मास कितना स्टूडेंट 12, प्लस हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 22, मल्टीप्लाइड बाय स्टूडेंट कितना हाइड्रोजन का मास कितना 1, प्लस ऑक्सीजन कितना एटम है 11, इंटू इट्स एटॉमिक मास कितना स्टूडेंट 16। तो जब हम सबको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 342, राइट। और यूनिट क्या आएगी स्टूडेंट, यू या AMU। तो एटॉमिक मास कैसे, सॉरी मॉलिकुलर मास कैसे निकालना है स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम्स से उसके एटॉमिक मास से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे यही मैंने दिखाया हुआ है C12H22 का एटॉमिक मास 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 22 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 11 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 342, करेक्ट स्टूडेंट। सिमिलरली वी कैन सॉल्व एटॉमिक मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, करेक्ट। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट आप मुझे करके बताइए, एल्युमिनियम के कितने एटम्स हैं 2, और एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना स्टूडेंट 27, प्लस सल्फर कितने स्टूडेंट, या होल 3 लिखा हुआ है तो सल्फर के एटम्स कितने हैं 3, 3 इंटू स्टूडेंट कितना सल्फर कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन कितने स्टूडेंट अंदर कितने एटम है 4, और बाहर किससे मल्टीप्लाइड है 3, 3, 4 = 12, तो 12 इंटू कितना ऑक्सीजन 16। सो सबको जब सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये भी कितना निकल के आएगा 342 AMU, क्लियर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मॉलिकुलर मास, हर एटम का जो नंबर होगा उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे तो जो निकल के आएगा उसको क्या कहेंगे हम, मॉलिकुलर मास। याद रखेंगे स्टूडेंट यूनिट किसमें रहेगा, किसमें रहेगा स्टूडेंट, यूनिट AMU में, क्लियर। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे एक और लिया हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, तो यहाँ कॉपर के एटम कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉपर होता है 63.5, प्लस सल्फर कितना स्टूडेंट 1 इंटू सल्फर कितना स्टूडेंट 32, प्लस अगर हाइड्रोजन गिनते स्टूडेंट तो 5 जा कितना है 10, तो 10 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन कितने स्टूडेंट यहाँ पे 4 है और यहाँ 5 से मल्टीप्लाइड है तो 5 प्लस कितना 4 9, तो 9 इंटू कितना स्टूडेंट 16, तो सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा स्टूडेंट 249.5, कितना मिलेगा 249.5 AMU, करेक्ट। तो यहाँ पे वही मेंशन है 1 इंटू कार्बन कॉपर प्लस 1 इंटू सल्फर प्लस 10 इंटू हाइड्रोजन प्लस 9 इंटू ऑक्सीजन, करेक्ट। अब स्टूडेंट्स हमने पहले देखा था कि AMU एक बहुत ही स्मॉल यूनिट है, इसको मेज़र करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, या मैं कहूँ इट इज़ इम्पॉसिबल, करेक्ट। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस AMU को हमें एक मेज़रेबल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो मेज़रेबल यूनिट क्या है स्टूडेंट, ग्राम, करेक्ट। तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एज़ वी नो दैट AMU इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ वेट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र और इवन इम्पॉसिबल टू मेज़र, वी नीड टू कन्वर्ट दिस AMU into some measurable unit that is weight, and weight is in gram, correct? और अगर molecular mass student याद रखेंगे gram में expressed है तो उसको अब हम क्या बोलेंगे, gram molecular mass. So if molecular mass is expressed in gram, then it is called as gram molecular mass, correct? So gram molecular mass, correct? क्या है ग्राम मॉलिकुलर मास, दैट इज, अब हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट ग्राम मॉलिकुलर मास, ठीक है, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे, क्लियर। सपोज मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है स्टूडेंट 18 AMU, एंड एक मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, दैट इज 18 AMU, करेक्ट। तो
एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है? 18 mu। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 6.02 × 10²³ वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 18 mu को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 6.02 × 10²³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6.02 × 10²³ को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, 1 mole। और हमें पता है यहाँ पे हम इसको कैसे लिखते हैं, 18 mu × क्या स्टूडेंट, 1 mole। और इसको हम ऐसे लिखते हैं 18 × 1 mu × 1 mole। और हमने पहले देखा था स्टूडेंट 1 mu × 1 mole किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 1 gram के बराबर। तो 18 × क्या होगा, 1 gram, और 18 × 1 gram इज इक्वल टू 18 gram, करेक्ट। सो मास ऑफ 6.02 × 10²³ वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा स्टूडेंट्स, 18 gram, करेक्ट, क्योंकि 1 mu × 1 mole इज इक्वल टू कितना, 1 gram, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, राइट। सो नाउ वी कैन डिफाइन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, द मास ऑफ 1 mole दैट इज 6.02 × 10²³ ऑफ एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, करेक्ट। कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हमें उसके 1 mole मॉलिक्यूल लेने हैं, दैट इज 6.02 × 10²³ मॉलिक्यूल्स लेना है। अगर हम उनको एक साथ वेट करते हैं तो जो वेट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, करेक्ट स्टूडेंट। तो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट मॉलिक्यूलर मास में और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 mole ऑफ मॉलिक्यूल का मास है, करेक्ट। और 1 mole में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 × 10²³। तो कभी भी जब आप मॉलिक्यूलर मास से ग्राम मॉलिक्यूलर मास में आएंगे तो सिर्फ क्या चेंज होगा, यूनिट चेंज होगा स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम। जैसे हमने देखा था वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है स्टूडेंट, 18 mu, और अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलूंगा तो कितना, 18 gram। तो मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, ओनली क्या चेंज होगा स्टूडेंट, यूनिट। और अब हम 18 ग्राम को मेजर कर सकते हैं, सो नाउ वी हैव कन्वर्टेड इनटू सम मेजरेबल यूनिट, करेक्ट, क्लियर स्टूडेंट, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम C12H22O11 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या होगा, 12 × 12 + 22 × 1 + 16 × 11 कितना आएगा स्टूडेंट, 342। वहाँ भी पहले भी कितना आया था स्टूडेंट, 342, अगर आप देख सकते हैं कितना आया था, 342 U। बट वेन वी कैलकुलेट इन ग्राम मॉलिकुलर मास तो यूनिट विल चेंज एंड इट विल बिकम ग्राम, करेक्ट, क्लियर। CO2 का कैसे क्या होगा स्टूडेंट, 1 × 12 + 2 × 16 = 44 gram। सिमिलरली C6H12O6 का क्या होगा, 16 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16 दैट इज 180 gram, करेक्ट स्टूडेंट, क्लियर। तो फर्क क्या स्टूडेंट, सिर्फ यूनिट में फर्क है, मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, क्लियर। तो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं हम इसको, लेट सपोज हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है 44 mu में ऑफ CO2 और 44 gram ऑफ CO2 में, राइट। तो 44 mu क्या होता है स्टूडेंट, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 होगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में क्या होगा, एक एटम कार्बन का होगा और 2 एटम किसका होगा, ऑक्सीजन का, करेक्ट, क्लियर। सो 44 mu कंटेन्स 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम, करेक्ट। सिमिलरली 44 gram इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ 1 mole ऑफ CO2। 44 gram क्या स्टूडेंट, मास ऑफ 1 mole ऑफ CO2, क्लियर। और 1 mole ऑफ CO2 कंटेन्स 1 mole ऑफ कार्बन एंड 2 moles ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 1 mole जो CO2 होगा उसमें 1 mole कार्बन का होगा और 2 moles किसके होंगे, ऑक्सीजन के, करेक्ट। और 1 mole कार्बन कितने एटम्स के बराबर होगा स्टूडेंट, 6.02 × 10²³ कार्बन एटम्स एंड 2 × 6.02 × 10²³ ऑक्सीजन एटम्स, क्लियर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.02 × 10²³ को Na।
सो 44 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स एन ए कार्बन एटम्स एंड 2 एन ए ऑक्सीजन एटम्स. क्लियर राइट. दिस मीन्स व्हेन मॉलिकुलर मास विल बी गिवन इन ग्राम देन इट्स एटम विल बी मल्टीपल ऑफ एवोगाड्रोस नंबर. करेक्ट. तो अगर कभी भी मोलर मास ग्राम में गिवन होगा तो हमेशा वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम, एन ए का यूज़ करेंगे. करेक्ट है. क्लियर. सिमिलर स्टूडेंट एक और एग्जांपल गिवन है राइट. 180 यू सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स कंटेन्स हाउ मेनी 6 एटम्स ऑफ कार्बन 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. सिमिलर अगर मैं इसमें ग्राम में पूछता आपसे 180 ग्राम ऑफ सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स कंटेन 6 एन ए एटम्स ऑफ कार्बन 12 एन ए एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एन ए एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. करेक्ट. 6 एन ए मतलब कितना होगा, 6 इंटू 6.02 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स और वी कैन कॉल एज 6 मोल. हाइड्रोजन इज 12 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स दैट इज 12 मोल एंड ऑक्सीजन इज 6 इंटू 6.02 10 टू द पावर 23 दैट इज 6 मोल्स. क्लियर स्टूडेंट राइट. तो होपफुली स्टूडेंट आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा कि क्या डिफरेंस है, या डिफरेंस हम कहें कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिकुलर मास क्या होता है और गैर मॉलिकुलर मास क्या होता है, और मॉलिकुलर मास और ग्राम मॉलिकुलर मास में बेसिक क्या डिफरेंस होता है. करेक्ट. थैंक यू.